Hey guys, welcome back to my channel. It's day 2. But अभी होटल चेकआउट कर लिया है एंड वी आर गोइंग टू ओमकारेश्वर, जो एक और ज्योतिर्लिंग है, यहाँ से कवर करेंगे हम. हार्डली आई गेस कुछ 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट थोड़ा सा रास्ता वहाँ का ख़राब है ऐसा मैंने सुना. एंड इट इज़ शोइंग हमें 4 घंटे 15 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में. तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठते हैं और वी गोइंग टू ओमकारेश्वर. और कैसा रहता है उसका रास्ता वो मैं आपको दिखा ये देखिए हम होटल से बाहर आए. एक बार आप वेदर देखिए, एकदम क्लाउडी एंड कितनी प्यारी हवा चल रही है. कल गए हैं हम उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन सुबह कर लिए थे, सीधा जा रहे हैं अब ओमकारेश्वर. डिस्टेंस अराउंड 143 किलोमीटर्स और बारिश की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा दिखा रहा है, 4 घंटे 23 मिनट. बट चलते रहेंगे लगातार और हाईवे अच्छा मिला तो जल्दी भी पहुंच सकते हैं. बाकी देखते हैं और आपको दिखाते हैं रास्ता कैसे और बताते हैं कि कैसे कंडीशन है रोड की और बारिश में कैसे ट्रैवल करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए, या दिन में ट्रैवल करें या रात में भी कर सकते हैं, तो आपको दिखाते रहेंगे. उज्जैन से आप निकलेंगे इंदौर रोड पे, तो लगभग आपको कुछ 40 से 45 किलोमीटर इसी रोड पे रहना है. रोड की कंडीशंस ठीक है, बट हाँ रेड लाइट काफी पड़ती है इस रोड पे, तो देखें. बिल्कुल एक लाइन आ रही है यहाँ से बादल की, ये क्लियर है सामने बादल से, बारिश बहुत तेज आने वाली है. वैसे अभी मौसम कुछ ऐसा है कि कल से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, अभी भी बहुत ही तेज है. मतलब बारिश तो तेज नहीं है, हल्की हल्की है, लेकिन स्टार्ट हो जाएगी. आप बादल देखिए कितने ज्यादा हो रहे हैं, ये कैसे फिल्मी बादल दिख रहे हैं, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन. 2-3 कलर के बादल हैं, पहले नॉर्मल, फिर डार्क और फिर उससे भी डार्क. ये इंदौर सिटी में हम आ गए और ये क्रॉस कर रहे हैं. रोड की कंडीशंस थोड़ी खराब है क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, शायद पता नहीं क्या है, फ्लाईओवर है या मेट्रो का समझ नहीं आ रहा, छोटा सा है, मेट्रो ही होगा, फ्लाईओवर तो थोड़ा बड़ा होगा. क्योंकि देखो आप हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चल रहा है, तो 90 किलोमीटर्स के लिए भी इट इज़ टेकिंग अस 3 आवर्स टू रीच ओमकारेश्वर. तो अभी हमारा गए रास्ता भटक गए और अंदर हम जंगलों में आ गए हैं और काफ़ी एडवेंचरस रोड है, मज़ा आ रहा है. पता चलेगा अभी आगे जाके कहाँ निकलता है ये रास्ता. दोनों साइड कुछ नहीं है, खेत. बहुत ही गलत जगह फंस गए हैं, किसी जंगल में हम. सामने पेड़ देखिए आप, पानी कहाँ फंस गए देख रहे हैं. अब यहाँ से निकलते हैं किसी और रास्ते से. सामने गाड़ियां जा रही है, सुनी का पीछे करते रहना है. लग रहा है आगे ट्रक फंस गया. गाड़ी आ रही है भाई, ट्रक को तो निकलने दे. आगे भी गाड़ियां रुकी पड़ी है वहां पे, वो बीच में से दिख रहा है मुझे यहाँ से. कुछ क्या टाइम हो रहा है, 1:30 बजे. जंगल के बीच खड़े हैं, नाकाबंदी लगी है, बैठते हैं, चलते हैं, चले. सो हमने जो अपना ओमकारेश्वर में रिजॉर्ट बुक करा है वो है नर्मदा हिल रिजॉर्ट, और लगभग कुछ 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उसका सिर्फ जंगल के अंदर से है. मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली जंगल कौन सा है, लेकिन बहुत ही सही थ्रिलिंग और एडवेंचरस हमारी जर्नी रही आज की. बहुत जगह फंस फंसा के हम आए, गलत रास्तों पे जाके फाइनली सही रास्ते पर हैं. और कैमरा मेरा 15-20 किलोमीटर ऑन ही रहेगा क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है. ओहो ये मिस हो गया, आस पास मेरे नदी है. चलते हैं यहाँ से 15 किलोमीटर आगे, देखते हैं क्या पता कोई एनिमल मूवमेंट हो, कुछ देखने को मिल जाए तो आपको भी दिखाते हैं.
इस रास्ते पे थोड़ा पहाड़ी रास्ता भी है, थोड़ी सी चढ़ाई है और साथ में जंगल है, तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। जिम कॉर्बेट हम जाते रहते तो वहाँ की कहीं कहीं कुछ रिजॉर्ट्स के रास्ते ऐसे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा है मुझे, बहुत ही सुंदर। दिन में पता नहीं कैसा होगा, रात का व्यू और लुक एकदम खतरनाक आ रहा है। एक गाड़ी आगे चल रही है, एक में हम हैं और एक इसमें देखिए आप पीछे एक और आ रही है, तीनों गाड़ियां अपनी हैं और पूरे रास्ते पे और कोई नहीं है, सिर्फ हमारी तीन गाड़ियां। फाइनली हम पहुंच गए हैं 10 घंटे में अपने रिजॉर्ट। ओहो गेट खुल रहा है सामने, कितना अच्छा लग रहा है। 10 घंटे में गाड़ी कहाँ लगाएंगे? ऑफिस पे जाएगी गाड़ी सीधा? हाँ इधर से लेफ्ट से। ठीक है भैया, चलो फाइनली पहुंच गए हैं रिजॉर्ट और अभी तो सिर्फ रेस्ट करेंगे क्योंकि सुबह 6:30 बजे हमें निकलना है दर्शन के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सो के उठे हैं इसलिए ऐसी आवाज़ हो रही है और आंखें वाँखें सूज रही हैं, बट मेरी चेहरे को आप इग्नोर करें और आप, मैं इस रिजॉर्ट को थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्योंकि हमें जाना है मंदिर 9 बजे और अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी का टूर लेते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है। इट्स नॉट दैट लेविश बट इट्स अ प्रीटी नाइस डिसेंट स्टे, तो दिखाता हूँ आपको रूम, कॉरिडोर, ओपन एरिया कैसा है यहाँ का और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर हैं जो हम कर सकते हैं। चलिए, सो फिलहाल हम सुबह यहाँ से निकले थे रात को, यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है पीछे, वहाँ से हम सीधा एंटर करते हैं। तो ये एक कॉरिडोर टाइप बना हुआ है जहाँ पे ये रूम्स हैं सारे, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पे, तो ये सारे यहाँ पे रूम्स हैं और बीच में थोड़ी सी ऐसे वॉक करने के लिए आपके लिए एरिया दे रखा है जो काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे 5 रूम हमारे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। रूम अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सब सो रहे हैं अंदर, तो अभी रूम मैं अभी दिखा नहीं पाऊँगा, थोड़ी देर में जब सब लोग उठते हैं तो मैं दिखाता हूँ, बाकी चीज़ें दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी में क्या क्या। चलिए, तो अभी रिसेप्शन पे भैया बैठे थे, उनसे मेरी बात हुई, मैंने पूछा इस प्रॉपर्टी में क्या क्या है, तो उन्होंने बताया कि सामने ऐसे किड जोन है, उधर ऐसे थोड़े से झूले वूले बने हुए, उधर तो स्लाइड्स हो गई, ये सब हो गई, तो नॉर्मली बच्चे इंजॉय कर सकते हैं, प्लस इंडोर गेमिंग भी है जहाँ पे टीटी है, पूल टेबल है, देयर इज़ अ स्विमिंग पूल है, फिर रेस्टोरेंट तो ऑब्वियसली है ही, और एक एडवेंचर जोन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को बहुत ही सही लगा। ये सब चीज़ें हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, इवन स्पा है यहाँ पे, बट अभी इनके पास स्टाफ नहीं है तो वो टेम्परेली क्लोज्ड है। चलिए दिखाता हूँ, और प्रॉपर्टी बहुत ही ग्रीन और शांति वाली जगह पे है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। इट इज़ राइट इन द मिडल ऑफ द जंगल, जंगल का नाम मुझे पता नहीं, कल मैंने इनसे पूछा तो कह रहे थे भैया ऐसे ही है, मतलब कोई जानवर नहीं है, बट जहाँ से हम पूरा निकल के आए थे रास्ता, तो एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट था, तो वो गेट खुला, फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने खोला, उसके बाद हम अंदर आए। ये देखिए सामने आपको जो मैं बता रहा था एडवेंचर एक्टिविटी, ये आ गई, बहुत ही सही जगह। ये देखिए, दिस इज़ दी एडवेंचर जोन, ये यहाँ से चढ़ते हुए वहाँ से उतरे, बीच में टायर्स, और ये भी एक बहुत फन चीज़ है, इस पे से चल चल के आगे निकले। ये देखिए, ये किड्स एरिया, छोटे मोटे झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, एंजॉय करने के लिए, चिल करने के लिए। और इसके पीछे सामने हमारा आ गया है इनका पूल एरिया, तो एक बार देखते हैं पूल क्लीन है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे होटल्स में नहीं होता, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नहीं है।
पूल साफ है लेकिन पत्ते पड़े हुए इसमें सारे पेड़ के, तो ये निकालने चाहिए इन्हें। और सेम इसमें भी काफ़ी पत्ते पड़े हुए अंदर। सो आप सब लोगों को पता ही है कि हमने कल भी करे थे ज्योतिर्लिंग के दर्शन उज्जैन में महाकाल के, और आज हम हैं ओंकारेश्वर। तो ये भी ज्योतिर्लिंग में से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो आज हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। तो आपको अगर जैसे मैंने आपने महाकाल के उज्जैन के दर्शन देख ही लिए, मैंने भस्म आरती देखी थी, आप लोगों ने वो देखी, और उसी तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर अगर हमें वीडियो बनाने देते हैं तो मैं बनाऊँगा और आप लोगों को भी यहाँ के दर्शन करवाऊँगा, और जो भी चीज़ें आसपास यहाँ पर वो दिखाएँगे। नर्मदा एंड कावेरी नदी का संगम है वो दिखाएँगे आपको, बोट राइड है, कितने पैसे लगते हैं, क्या हिसाब रहता है, वो सब आपको बताएँगे। और यहाँ जिस होटल में मैं रुका हूँ उस होटल का भी प्राइस मुझे ऑनलाइन मैंने बुक किया तो काफ़ी अच्छा मिल गया, अराउंड 2200-2400 रुपीज़ का एक रूम मिला है, बट दिस इज़ विदाउट ब्रेकफास्ट जस्ट फॉर ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, क्योंकि 7:30 हो चुके हैं, हमें 9 बजे मंदिर पहुंचना है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, मंदिर अगर हम बाय रोड जाएंगे तो इस प्रॉपर्टी से मंदिर बाय रोड हमें पड़ेगा कुछ अराउंड 1.25 घंटा, 25 किलोमीटर है एंड पूरे जंगल का एरिया है। अदर थिंग इज़ इस होटल के भारी 300 मीटर पे घाट है, तो अगर वहाँ से हम बोट लेकर जाएंगे, बोट लेकर जाने पे इज़ हार्डली 1.5 किलोमीटर, तो इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स। और भैया ने बताया कि 300 रुपये पर हेड की बोट है अगर आप जाएंगे, और अदरवाइज़ अगर आप पूरी बोट बुक करते हैं, इसमें 10 लोग जाते हैं, तो वो आपको 2,500 की पड़ सकती है, तो मतलब वो 200 रुपये पर हेड पड़ सकती है अगर पूरी बोट एक बार में लेकर जाते हैं। तो देखते हैं वहाँ चल के और डिस्काउंट कुछ हो सकता है नहीं, तो वो भी आपको बताते हैं। तो टाइम हो गया है 9, और पंडित जी ने बुलाया था हमें 9 बजे, लेकिन लेके देखिए 9 बजे दांत टूटी लड़की अब तैयार हो गई। हाँ आ रहे हैं सब अब तैयार हुए हैं, अब निकल रहे हैं। हाँ 300 मीटर कह रहा है कि घाट है 300 मीटर गेट से, तो वहीं जाना है, वहाँ से बोट है। जल्दी आओ, लेट हो गए। तो निकल पड़े हैं अपने रूम से सब, बड़ी देर में आए, 9 बजे मंदिर पहुंचना था जैसा आपको बताया था मैंने सुबह, बट 9:15 हमें यहीं हो गए रिजॉर्ट के अंदर, और बाकी लोग आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सब आगे जा चुके हैं, 3-4 लोग और रहते हैं, सब आ रहे हैं। अब चल रहे हैं मंदिर, और पहले हम जाएंगे यहाँ से 300 मीटर दूरी रिजॉर्ट से, लेफ्ट हैंड साइड पर हमें नीचे उतरना है, क्योंकि गाँव का कच्चा रास्ता है, तो वहाँ से सीधा घाट का रास्ता आ रहा है, तो उस घाट से हमें मिलेगी बोट, और बोट के क्या प्राइस है वो अभी हम जाके देखते हैं कितनी रहती है। आना जाना हमें दोनों करना है, मंदिर जाना है और फिर वापस आना है। तो फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि चल रहे हैं आगे, देखते हैं कैसा रहता है वहाँ पे, दर्शन कैसे रहते हैं हमारे, और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। एक तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तो है ही, दूसरा वहाँ पे आई गेस ममलेश्वर भी एक मंदिर है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ही बोलते हैं उसे, तो देख। डंडा मारना है, गुस्सा क्यों हो रहा है, क्या हो गया? आपको मारूंगा। मेरे को क्यों मारेगा, मैंने क्या करा है, हैं? मैंने क्या करा है, मैंने कब मारा तुझे झूठे। फिलहाल आ गए हैं हम रिजॉर्ट से बाहर, और यहाँ से हमें पैदल आई गेस लेफ्ट में घाट की तरफ जाना है, जो रास्ता जा रहा है हमें लेफ्ट में जाने को बोला है होटल वालों ने, कुछ 200-300 मीटर की दूरी है, 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, तो चलते हैं। और आप एक बार देखिए ये प्रॉपर्टी बिल्कुल जंगल के अंदर थी, ऑलमोस्ट सब आ गए, ये देखिए नर्मदा हिल्स रिजॉर्ट, आ गए हैं सब, आते जाइए, ये देखिए सारे चल रहे हैं सब अलग अलग इधर उधर होते हुए, आगे 3-4 लोग वो जा रहे हैं, 3-4 लोग ये रहे, 2 ये रहे, और 3-4 वहाँ पे आ रहे हैं आधे। और ये देखिए मौसम पूरे काले बादल, बारिश हो सकती है, मज़ा आ जाएगा, भीग जाएंगे, छाता कोई लाया नहीं है। चलो तो अभी हम निकल रहे हैं गांव के रास्ते से एमपी के गाँव में, कभी सोचा नहीं था ऐसे पैदल पैदल घूमेंगे, बड़ा मज़ा आ रहा है। आसपास से देखिए कितने प्यारे प्यारे से घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, सुबह सुबह लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं, गायें भैंस बकरी पाल रखे हैं,
सफाइयाँ चल रही हैं। ये देखिए, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान, बहुत ज़रूरी था वोट करना। और ये देखिए सामने मूर्ति आपको दिख रही है ना, इसका भी एक है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। गाइड भाई लेते हैं कोई, उनसे पता करते हैं किसकी मूर्ति है। घाट आ गया, घाट सामने, आराम से इन्हें पकड़ लो, फिर एकदम ढलान है। हाँ ऑब्वियसली, चलिए घाट की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ से मंदिर चलते हैं। कुछ 10 मिनट का रास्ता है, बाकी जाके पता करते हैं नीचे। हाँ नहीं, हाँ आएंगे दूसरी साइड से। चलिए, रास्ता थोड़ा सा ख़राब सा है, ये ऐसा है कि आपको ट्रैक करना है, थोड़ा सा ऑफ रोड है। गाड़ी तो नहीं आ सकते हैं बिल्कुल, पैदल ही आओगे आप। चलिए चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो अभी बस घाट की तरफ पहुँच ही गए हैं सारे, एक बार देखते हैं कैसा रहता है, क्या हिसाब रहता है। और आने जाने की एक ही बोट होती है ऐसा सुना है, तो एक ही करेंगे हम। पहुँच गए घाट पे और यहाँ से हमें लेनी है बोट, जो कि हमें ले जाएगी आगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक।